तो भैया जी, कहानी शुरू होती है बीकानेर के लालगढ़ स्टेशन से और हम जा रहे हैं आज जैसलमेर टूर पर। तो ये हमारे साथ जा रहे हैं आज कुछ भाई लोग घूमने के लिए। तो गाइस, आज शाम की चाय हम पी रहे हैं यहाँ पर बीकानेर लालगढ़ स्टेशन पर। हमारे मित्र बहुत ही खुश है आज जैसलमेर जाने के लिए, फर्स्ट टाइम जैसलमेर जा रहे हैं। पहले इन्होंने जैसलमेर नहीं देखा है और ये है हमारे ठेकेदार जी। तो गाइस, यहाँ पर बैठे बैठे हम कर रहे हैं ट्रेन का इंतजार, कब ट्रेन आए और कब हमें आना है। तो ये हमारे साथी सभी जा रहे हैं आज जैसलमेर टूर पर, नंगे पुंगे सभी हथियार लेके। तो गाइस, फाइनली ट्रेन आ चुकी है और हम और हमारे साथी बैठ चुके हैं ट्रेन के अंदर और अब हम जा रहे हैं जैसलमेर। जा रहे हैं हमारे साथ जैसलमेर घूमने के लिए। तो गाइस, ये है हमारे मित्र हनुमान सिंह जी जो ले रहे हैं निंद्रा, और आगे हैं मनोहर सिंह जी और किशोर सिंह जी और मोल सिंह जी तो लगे हुए हैं फोन में। तो चलो देखते हैं सफर कैसा रहता है। तो यह है हमारे अजीज मित्र महेंद्र सिंह जी जो फलोदी जंक्शन के बोर्ड के ऊपर चढ़कर कर रहे हैं मजे, खूब हंसा रहे हैं सबको जैसे एक सर्कस वाला हंसा रहा होता है। तो देखिए इनके मजे और लीजिए एंजॉय। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं आज जैसलमेर। 6 घंटे की गर्मा गर्म यात्रा करने के बाद हम पहुंच गए जैसलमेर। रेलवे स्टेशन के बाद हम पहुंचे होटल पर और होटल में जाकर हमने किया रूम चेक इन। तो गाइस, ये है हमारा रूम, देख लीजिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज बंसिक तेरा एंड यू आर वाचिंग ट्रैवलिंग छोरा। तो जैसा कि रात को हम पहुंचे थे रूम पर और अभी आपको दिखाया रूम का चेकआउट, तो अब हम जा रहे हैं जैसलमेर टूर पर। आज आपको घुमाएंगे पूरा दिन जैसलमेर और ये आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करूंगा। तब तक के लिए बाय। सुबह की पहली किरण के साथ हम निकल पड़े थे तनोट माता मंदिर के लिए। तो ये थी हमारी पहली मंजिल, चलो चलते हैं तनोट माता मंदिर। जैसलमेर से रवाना होने के बाद हम पहुंचे हैं रामगढ़। यहाँ पर हम थोड़ा खाना खा लेते हैं, हमारे पेट में कुरकुरे लड़ रहे हैं। सभी खाना खाएंगे यहाँ पर और फिर बताएंगे आपको आगे का सफर। हम जा रहे हैं तनोट माता के, फर्स्ट टाइम जैसे एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं साझा करूँगा। तब के लिए आप देखिए। तो गाइस, फाइनली हमने कर लिए पेट पूजा, हम निकल रहे हैं तनोट के लिए गाड़ी लेकर। तब तक के लिए बाय, देखते रहिए वीडियो को लगातार और लाइक एंड सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो गाइस, जिस जगह हम आए ये एशिया का सबसे बड़ा टावर बताया जाता है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं अभी। बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा।
आप देख कर आश्चर्य चकित हो जाओगे, इतना ऊंचा है। तो गाइस जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है तनोट माता मंदिर, और रामगढ़ के बाद आपको कहीं भी पानी नहीं मिलेगा, इसलिए आप जाओ कभी भी तो पानी साथ में लेकर जाना। ये छोटे छोटे गांव हैं जैसलमेर के अंदर। तो गाइस जी सामने आपको जो बंकर दिखाई दे रहे हैं, पहले यहीं पर बॉर्डर थी, फिर लोंगेवाला युद्ध के बाद 40 किलोमीटर पीछे चली गई, तो ये पुराने बंकर हैं यहाँ तक सभी जगह। यहाँ पर आपको दूर दूर तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आएगा, कहीं पर कोई मकान वगैरह कुछ नहीं दिखेंगे, और यहाँ पर ये सड़क का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। कृपया बकरी चोरों से सावधान रहे। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं तनोट, यहां से लगभग लोंगेवाड़ा है 20 किलोमीटर। अभी हम दिखाएंगे आपको तनोट माता मंदिर, और यहां पर बताया जाता है पुराने टाइम में बम गोले बारूद आदि एकत्रित करके रखे गए, वो भी आपको दिखाएंगे। चलो चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, आपको दिखाएंगे अभी मंदिर, ये यहाँ का दृश्य देखिए बाहर का, बहुत ही शानदार दृश्य, एक बार जरूर पधारे आप भी यहाँ पर, बहुत ही शानदार मंदिर है। अभी जाकर देखूंगा मैं भी अंदर से, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं भी यहाँ पर, और मेरे साथ ही देखो भागे के लिए आराम कर रहे हैं, फिर हम जाएंगे मंदिर के अंदर। हमारे छोटे भाई भवानी सिंह जी सोलंगी नाल से, ये भी हमारे साथ आए हैं आज घूमने के लिए, बहुत ही शानदार दृश्य है, देख कर बहुत ही एंजॉय आ रहा है हमें तो। आप एक बार जरूर पता, ये हनुमान सिंह जी हैं कावनी के रहने वाले हैं, हमारे साथ धींगाने चिपक रहे हैं। मैं खड़ा हूँ तनोट माता मंदिर के बाहर, ये देखिए बाहर का नजारा, अभी मैं जाऊंगा अंदर और आपको दिखाऊंगा मंदिर, तब तक के लिए बने रहिए। तनोट माता मंदिर का इतिहास, मान्यता है कि सदियों पहले मामड़िया नामक एक चारण थे जिनके कोई संतान नहीं थी, संतान प्राप्त के लिए उन्होंने हिंगलाज शक्तिपीठ की 7 बार पैदल यात्रा की। माता प्रसन्न होकर स्वप्न में आई और चारण से वरदान मांगने को कहा। माता की कृपा से चारण के यहाँ 7 पुत्रियों और 1 पुत्र ने जन्म लिया। उन्हीं 7 पुत्रियों में से एक आवड़ ने विक्रम संवत 808 में चारण के यहाँ जन्म लिया और अपने चमत्कार दिखाना शुरू किया। 7ों पुत्रियाँ देवी चमत्कारों से युक्त थी, उन्होंने हुणों के आक्रमण से माड़ प्रदेश की रक्षा की। मंदिर के अंदर का दृश्य कुछ पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, आप दिखा रहे हैं मंदिर। 1965 की लड़ाई के बाद माता की प्रसिद्धि विदेशों में भी छा गई। पाकिस्तानियों द्वारा मंदिर परिसर में गिरे 450 बम फटे ही नहीं, ये बम अब मंदिर परिसर में बने एक संग्रहालय में भक्तों के दर्शन के लिए रखे हुए हैं। 1965 की जंग के बाद इस मंदिर का जिम्मा सीमा सुरक्षा बल को दे दिया गया। ये वही बम है जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर डाले थे, और ये फूटे नहीं, तनोट माता का आशीर्वाद रहा कि हिंदुस्तान को कोई हानि ना हुई, और आज ये बम सुरक्षित रूप से यहाँ पर रखे गए हैं, जिन्हें आप देख सकते हो हमारे पीछे। तो गाइस ये है तनोट माता मंदिर जैसलमेर के अंदर, बहुत आपको दिखाया था तनोट माता का मुख्य मंदिर, और अब बताने जा रहे हैं तनोट माता का प्राचीन मंदिर।
तो चलो दिखाते हैं आपको प्राचीन मंदिर। तो यहाँ पर आने वाला हर भक्त माँ से मनोकामना मांग कर जाता है और माँ उसकी मनोकामना संपूर्ण करती है। तो यहाँ पर आने वाला हर भक्त एक सफ़ेद कपड़ा बांधता है और अपनी मन्नत माँ से मांग कर जाता है। भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके पीछे बहुत प्रसिद्ध कहानियां हैं। राजस्थान में ऐसी एक प्रतिष्ठित जगह है जिसका नाम है तन्नोट और यहां का मुख्य आकर्षक तन्नोट माता मंदिर है। लोंगेवाड़ा वॉर मेमोरियल से तन्नोट माता मंदिर महज 50 और जैसलमेर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जगह बॉर्डर के भी काफ़ी नज़दीक हैं। मंदिर बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखकर, आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले आपको पहुँचना होगा जैसलमेर और जैसलमेर से आप यहाँ आने के लिए प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं या बस से भी आ सकते हैं। यहाँ पर आप कभी भी आए तो नवंबर से मार्च के बीच आए। यहाँ पर एक कुआ भी है पुराने वक्त का जिसमें से पानी निकाला जाता था और यहाँ पर बहुत जी पानी पीते थे इस कुएं से। थोड़ी गहराई भी दिखा देता हूँ इसकी, बहुत है गहराई, पानी सामने दिखाई दे रहा है, चलो देख लेते हैं। ये देखो पानी दिखाई दे रहा है ना आपको सामने, ये है तन्नोट माता विक्ट्री टावर जहाँ से आर्मी वालों ने विजय हासिल की थी, इसलिए इस टावर को उनके याद में बनाया गया है, बहुत शानदार है। तो गाइज आई होप कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।